वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कमेटी ने औरतों की हिफाजत एक इज्तमाही नारे के साथ एक मुहिम शुरू की है। दो अक्टूबर से 3 दिसंबर तक कौमी सतह पर ये मुहिम शुरू की गई है। नेशनल प्रेसिडेंट यासिन मिसलान ने इस अपनी क़ियादत में इस मुहिम का आगाज़ किया है और स्टेट 3 अक्टूबर को स्टेट प्रेसिडेंट फातिमा नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर रिलीज और वीडियो रिलीज की है। ख़वातीन माशरे का एक अहम हिस्सा है। ख़वातीन माँ, बहन, बेटी और बीवी इस किरदार को बखूबी अपनी ज़िंदगी में बखूबी निभाती हैं, लेकिन आज माशरे में ख़वातीन को वो मकाम नहीं दिया जा रहा है जो वो मकाम डिज़र्व करती है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर आए दिन हम लोग रेप केसेस और मर्डर केसेस देखते हैं। जैसे कि हम लोग हाल ही में कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता और हाथरस जैसे निर्भया केस और आसिफा जैसे केस देखते हैं, लेकिन औरतों को आज माशरे में हमें एक चैलेंजिंग फेस के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा माशरा हमें कह रहा हो कि ख़वातीन तुम हमसे बचकर दिखाओ, ये माशरा ख़वातीन को जीने का हक़ छीन रहा है। आज के मुल्क में, आज के दौर में 4 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत भी महफूज नहीं है। हर तबके की औरतें आज जो है ना हरासमेंट हो रही है, चाहे वो वर्किंग वूमेंट हो या राह चलती हुई औरतें हों। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट इसकी सख्त मजम्मत करती है, हुकूमत और क़ानून इसके ऐसे केसेस में फेलियर है। जैसे आप पुलिस अफसरान को देखते हैं कि वो ऐसे केसेस में बखूबी अपनी हिचकिचाहट को बज़ाहिर करते हैं और अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हो रही है। तो हम अदालतों से और क़ानून और हुकूमत से ये वुमेन इंडिया मूवमेंट डिमांड करती है कि ऐसे केसेस में सख्त से सख्त मुजरिमों को सज़ा दी जाए। जैसे अदालतें मुलजिमों को बरी कर रही है, ज़मानत दे रही है, तो मुजरिमों को ये मौका मिल गया है कि खुले आम घूम फिर रहे हैं, तो दोबारा ऐसे केसेस होने के बहुत चांसेस हैं। तो हम कानून और मुल्क की हुकूमत के कानून से हम ये डिमांड करते हैं कि कोई ऐसा पुख्ता कानून बनाए जो औरत माशरे में ख़वातीन महफूज हो सकें। मुल्क में UAPA जैसा कानून तो है, लेकिन वो कानून क्रिमिनल्स के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है। जैसे बेगुनाह हमारे एक्टिविस्ट हैं, वैसे एक्टिविस्टों के ऊपर ऐसे कानून लगाकर उन्हें जेलों में डाला गया है। जैसे समाज के इन चंद एक्टिविस्टों का नाम मैं लेना चाहूँगी, सुधा भारद्वाज जो ह्यूमन राइट्स लॉयर एक्टिविस्ट हैं, शोमा भारद्वाज जो एकेडमी एक्टिविस्ट हैं, गुलफिशा फातिमा NTCA प्रोटेस्ट, इशरत जहां जो फार्मर काउंसिलर NTCA एक्टिविस्ट हैं, टिस्टा सेल्विडा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। हम हुकूमत से इन एक्टिविस्ट को जल्द से जल्द रिहाई की डिमांड करते हैं। जो गैर मुनसिफाना गिरफ्तारी कर और सबूतों को कमज़ोर सबूतों के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया बावजूद ज़मानत से महरूम हैं, तो ट्रायल में ताखिर और UAPA का गलत इस्तेमाल से वो सालों से कैद में हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। अब हम लोग थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स की तरफ नज़र डालेंगे। जो स्टूडेंट्स हिजाब के ताल्लुक से तालिबे इल्म जो आइन हक़ है उनका, तो वो हक़ उनसे छीना जा रहा है। तो हम हुकूमतों से ये भी डिमांड करते हैं कि तालिबे इल्म का इस आइनी हक़ को दिया जाए और उनको तरक्की अपने इल्म और अपने फ्यूचर के लिए तरक्की के लिए उन्हें सपोर्ट भी करे और उन्हें वो हक़ अता भी करे। तो ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से 2 महीने का मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने करना तय किया है। जैसे पोस्टर पेस्ट करना, पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्टिविस्ट से मुलाकात करना, प्रोटेस्ट करना और स्ट्रीट प्ले करना, कैंडल मार्च करना और ह्यूमन चेन, और उसी के साथ
हम हर एरियाज में अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। वुमेन इंडिया मूवमेंट एक पाक और साफ मुल्क चाहती है जो ख्वातीन को एक वक़ार के साथ ज़िंदगी जीने का हक मिल सके, जो उससे आज वो महरूम है। तो जहाँ मैं एक अपील करती हूँ, वुमेन इंडिया मूवमेंट की इस मुहिम के साथ मर्द और हजरात दोनों जुड़ें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। 2 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक 2 महीने का मुहिम है। हाँ, प्लानिंग वही बताई ना मैं आपको, ये पूरा 2 महीने की प्लानिंग है, डेट वाइज है। और 2 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, पहले पोस्टर पेस्ट होगा, प्रॉम्फिट होगा, उसके बाद जो है ना हम सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात करेंगे, उनके ख्यालात को हम जो है ना अचीव करेंगे, और टीन एजर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी अवेयरनेस क्लासेस देने का हम लोग प्लान करे हुए हैं। और प्रोटेस्ट के तहत भी इंशाल्लाह हम तो एक मैसेज पूरे लोगों को देंगे। और स्ट्रीट प्ले जैसा रोड शो, रोज ड्रामा जिसको बोलते हैं ना, वो हम लोग करेंगे। और कैंडल मार्च, कैंडल मार्च सतह लेवल पे भी हम लोग कैंडल मार्च करने का प्लान किए हुए हैं। ह्यूमन चैन, ह्यूमन चैन भी उसमें हमारे प्लान में शामिल है। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से 2 महीने का एक हमारा पूरा प्लान है कि इस मुहिम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। और जो अवेयरनेस हमारी आज की औरतों में, जो ग्राउंड लेवल सतहों पर जो औरतों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ का, वो अवेयरनेस हम लोग देने का काम करेंगे। जी 2 अक्टूबर में नेशनल में लॉन्च हो चुकी है। समीना बेगम, सेक्रेटरी सालिहा परवीन, वुमेन इंडिया मूवमेंट के मीडिया इंचार्ज अकिया नाजमी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। एंड आई हार्डली वेलकम टू द ऑल मीडिया ब्रदर्स।